ईशान भी अमेरिका जैसे शहर में 3 साल रह के आया है, और अमेरिका जैसे शहर में तो कोई भी अपनी परंपरा भूल जाता है। मेरा ईशान ऐसा नहीं, वो बहुत अच्छे हैं, वो कभी नहीं बदलेंगे। तुम बार बार ईशान तक बात क्यों ले जाती हो? क्योंकि ईशान ही मेरी जिंदगी है, उन्हीं से मेरी शुरुआत है और उन्हीं से मेरा अंत है। अपनी बीवी से झूठ नहीं बोलते। तान्या, अभी तुम मेरी बीवी नहीं हो। जवानी का जोश कुछ ऐसा ही होता है। मगर जो हल हमने सोचा है, अगर वो हो जाए तो सबके लिए अच्छा होगा। आप लोग क्या बातें कर रहे थे? तुम्हारी शादी की बात कर रहे थे। नहीं, आप लोग ईशान की शादी की बात कर रहे थे। लेकिन तुम्हारी शादी की बात करेंगे तो ईशान भैया की अपने आप शादी की बात हो जाएगी ना सिमरन। बिना ईशान भैया की शादी की बात किए तुम्हारी शादी कैसे हो सकती है सिमरन? नहीं, आप लोग ईशान की किसी अमेरिका की लड़की से शादी की बात कर रहे थे। कौन अमेरिका वाली लड़की सिमरन? बस आकांक्षा, मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ और तुम्हें तुम्हें दुनिया की गलतियों पर पर्दा डालने की आदत बचपन से है। लेकिन मेरे सामने तुम कोई भी झूठ मत बोलना, क्योंकि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम बताओ, बताओ कि सच क्या है। सच्चाई वही है सिमरन जो तुम्हें बताई जा रही है। तो मुझे क्या बेवकूफ समझ रहे हो? तुम जो इतने देर से यहां पर डेरा डालकर बैठी हो, इसका कोई मतलब नहीं है। अब मुझे समझ में आ रहा है, मुझे सब समझ में आ रहा है जो तुम मुझे कल रात को समझाने की कोशिश कर रही थी। क्या कह रही थी तुम? कि बात ईशान की नहीं है, लेकिन अगर अगर ईशान कहीं और शादी कर ले तो, है ना? नहीं सिमरन, वो तो मैं। चुप, एक लफ्ज भी और नहीं। सिमरन पुत्र। बाबूजी प्लीज, आज आप कुछ नहीं बोलेंगे। ये सब लोग मक्कार हैं। सब लोग झूठे हैं। और सबसे बड़ी मक्कार है ये जो शहर से आ गई है अपना जादू चलाने के लिए। लेकिन बस अब बहुत हो गया, मैंने सब कुछ सुन लिया है। गलत सुना है। गलत सुना? अब भी झूठ? कितना झूठ बोलोगे तुम लोग? ईशान अमेरिका से आया और उसके साथ वो लड़की भी आई। हाँ, वो लड़की आई जरूर है, पर वो ईशान भैया की दोस्त है सिमरन। अच्छा, अब भी झूठ? तुम लोग घर पर बैठकर ईशान का इंतजार कर रहे थे, वो अमेरिका से आया उस लड़की के साथ। हाँ हाँ, वो लड़की, क्या हुआ उस लड़की का? कौन है वो लड़की? कौन है वो लड़की? वो लड़की ईशान भैया की दोस्त है। उनका इस तरह का कोई आपस में रिलेशन नहीं है। फिर झूठ? एक और नया झूठ? कितना झूठ बोलोगे आप लोग? अरे आप लोगों को तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। लोगों से अच्छी तो ये
ये चंचल है जो मुझे बार बार कहती रही। कब से मुझे कहे जा रही है कि दी एक बार ईशान के बारे में पूरा पता लगा लो। और आप लोग मेरा सच जानने के बाद भी मुझसे एक और नई कहानी, एक और नया झूठ बना रहे हैं। नहीं सिमरन, ये कोई कहानी नहीं है। मैंने कहा ना, एक लफ्ज भी और नहीं। फोन लगाओ। मैं कहती हूँ ईशान को फोन लगाओ। इस समय फोन कैसे? फोन करो ईशान को। मैं कह रही हूँ तुमसे, फोन करो उसे। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मैं क्या कह रही हूँ तुमसे? नहीं कर रही हो ना तो फोन। ठीक है, निकलो यहां से बाहर। मैं कहती हूँ दफा हो जा हमारे घर से। तू क्या कर रही है? मम्मी जी चुप। आप सब लोग आज कुछ नहीं कहेंगे। फोन लगाओ ईशान को। मैं कहती हूँ फोन लगाओ उसे। मैं सब कुछ सच सच जानना चाहती हूँ, कोई झूठ नहीं, सिर्फ सच। लगाओ उसे फोन। ठीक है, मैं लगाती हूँ। फोन नहीं लग रहा है सिमरन। अच्छा, नहीं लग रहा है? इधर दो, मैं फोन करती हूँ उसे। फोन क्यों नहीं लग रहा है उसका? मुझे तो फोन से मतलब, मैं लगाती हूँ, दूसरा नंबर है। हेलो। हेलो, हाँ ईशान भैया। ईशान? मैं? लीजिए सिमरन, आपसे बात करना चाहती है। आप हो ना ईशान भैया? लीजिए। हेलो। हेलो ईशान। हेलो। तुम ईशान बोल रहे हो ना? पहचानते हो मेरी आवाज को मुझे? सिमरन, तुम ईशान ही बोल रहे हो ना? हाँ, मैं ईशान ही हूँ। एक बात बताओ, आज तक मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया है और तुमने कितनी बार मुझसे बात की है? मुझे कर रहे हो? तुम ईशान ही बोल रहे हो ना? हाँ तो बताओ मुझे। फोन किया था। बंद करो ये नाटक करना, क्योंकि आज वक्त आ गया है जब हर नाटक पर से पर्दा उठ जाएगा। बताओ मुझे कि तुमने मुझे कितनी बार फोन किया? दो नहीं तीन। झूठे, तू स्वांग रच रहा है ना मेरे ईशान का? इस झूठी के कहने पर सिमरन पुत्र, बाऊजी, आज आप कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे आप। ये पकड़ो तुम्हारा झूठ का पिटारा और बताओ कि सच क्या है। ईशान भैया की शादी तुमसे ही हो। झूठ बोल रहे हो तुम। बताओ मुझे।
ताऊजी, ताऊजी अगर आपको थप्पड़ मारना है तो इस झूठी को मारिए, अगर आपको थप्पड़ मारना है तो ईशान को मारिए, जिसको इतना वक्त हो गया अमेरिका से आए। मम्मी, मम्मी जी वो मेरी बारात लेकर नहीं आया। आपको थप्पड़ मारना है ना तो अपने उस दोस्त को मारिए जिसने आपसे इतने बड़े बड़े वादे किए थे। क्या जरूरत थी, मैं पूछती हूँ क्या जरूरत थी उसे? अगर वो उसे निभा नहीं सकता था तो इतने बड़े बड़े वादे करने की क्या जरूरत थी उसे? और बाबूजी, अगर आपको थप्पड़ मारना है तो गांव के उन सब लोगों को थप्पड़ मारिए जो मेरे रोके पे आए थे। लेकिन आज, आज मेरी बारात नहीं है। बाबूजी, अगर अगर आपको थप्पड़ मारना है ना तो सुब्रत, 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 क्या हुआ तो? सुब्रत पिता, सुब्रत, सुब्रत, क्या हुआ इसे? सुब्रत, सुब्रत पिता, क्या हुआ? क्या हुआ इसे? देख लिया ना, हम कुछ गलत तो नहीं कह रहे थे? हाँ अंकल, देख भी लिया और समझ भी लिया। इस रास्ते पर चलने से खतरा है, सिमरन कुछ भी कर सकती है, इनफेक्ट अपनी जान तक ले सकती है। वो तो एक शब्द सुनने को तैयार नहीं है ईशान भैया के खिलाफ। हमें इस सिचुएशन को हैंडल करने का कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा। और क्या रास्ता हो सकता है? ये तो इस वक्त किसी को मालूम नहीं है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि इस समस्या का कोई हल ही नहीं है। बस
हम लोगों को मालूम ही नहीं है। तो जब तक हमें पता ना चले हम क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? इसके अलावा हम लोग कर भी क्या सकते हैं? कुछ भी करने चाहते हैं, अगर कोई भी सिमरन के सामने सच्चाई को लाकर खड़ा कर देता है तो सिमरन बिफर जाती है। मैं अपने बेटे की जान को बार बार दाव में नहीं लगा सकती। लेकिन हमें कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। कैसी कोशिश? हाँ, जैसी कोशिश अभी हम लोगों ने की थी वैसी मुझे नहीं करनी है। मेरे तकदीर में अगर एक ही झूठ के सहारे जिंदगी काटना लिखा है ना तो झूठ ही सही। सच बोलकर अगर मुझे अपनी बेटी खोनी पड़ती है ना तो नहीं बोलना है मुझे ऐसा सच। लेकिन हरजीत, झूठ के सहारे सिर्फ पल कटते हैं, जिंदगी नहीं। पल पल मिलकर जिंदगी कट जाती है। मैं एक एक पल काट कर अपने जीवन गुजार लूंगी, लेकिन अपनी बेटी को मैं मौत के मुंह में नहीं ढकल सकती। तुम मां हो ना, इसलिए मां की तरह सोचती हो। हाँ, मैं मां की तरह सोचती हूं क्योंकि वो मेरे जिस्म का हिस्सा है। मैंने उसे पैदा किया है, उसकी रगों में मेरा खून है। अरे, उसकी लहू में कोई तूफान आता है ना तो मेरे सीने में भी दर्द होता है। आप लोग सही बोल रहे हैं। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिसका हल ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। हल है, जिसे आप लोग देख कर भी अनदेखा कर रहे हैं। हल वो है कि ईशान जी जो बारात लेकर हमारे घर आए। पुत्र, ये सब तो हमें भी पता है लेकिन ये मुमकिन नहीं है। इसीलिए तो हम इसका कोई और हल ढूंढ रहे हैं। सारी जिंदगी ढूंढते रहेंगे ना तो भी नहीं है, क्योंकि इस समस्या का कोई हल ही नहीं है। सच्चाई वही है जो चंचल ने कहा। क्योंकि इसके अलावा सिर्फ दो रास्ते हैं हमारे सामने। या सच बोल के सिमरन को जान से मार दे, या झूठ बोल बोल कर उसको घर में बिठाए रखे। या हम दीदी को कन्विंस कर दे। जो ईशान नाम का प्राणी था वो मर गया। ऐसी हालत में सिमरन अपनी जान भी दे सकती है। बात घूम फिर कर फिर वही आ जाती है जो चंचल कह रही है। जब तक ईशान भैया की बारात नहीं आ जाती तब तक हमारे पास कोई दूसरा चारा ही नहीं। और ये मुमकिन नहीं। मुझे दिल्ली जाना होगा। बेटा, तुम दिल्ली चले जाओगे तो यह कौन संभालेगा? अगर सिमरन सोकर उठ गई और पूछेगी तो
हम लोग क्या जवाब देंगे बेटा? नहीं, आप आकांक्षा दीदी को जाने दीजिए। सिमरन दीदी को मैं संभाल लूंगी, क्योंकि जो सवाल आकांक्षा दीदी के मन में आया है उसका हल दिल्ली में ही है। हाँ, मैं जानती हूँ। जितनी जल्दी मैं दिल्ली जाऊंगी उतनी जल्दी अपना काम शुरू कर पाऊंगी। मैं चलती हूँ। नमस्ते चाचा जी। बहुत बड़ी हो गई हमारी पुत्र, पता नहीं था इतनी जल्दी समझदार हो जाएगी। अपनी दीदी की फिक्र ने इसे उम्र से जल्दी बड़ा कर दिया। खुश रह पुत्र, तेरे सारे अरमान पूरे हैं। मेरा तो एक ही अरमान है बाबूजी, कि जीजू मेरी दीदी के लिए बारात लेकर घर आ जाए। तेरा जीजू आएगा पुत्र, वो हमारे घर बारात लेकर जरूर आएगा। वक्त ऐसी करवट लेगा कि उसे आना ही होगा। शादी तो एक ऐसा बंधन है जिसमें किसी से किसी भी तरह की कोई जबरदस्ती नहीं की जा सकती। बेटा, जब तुम जानती हो कि शादी जबरदस्ती से नहीं की जा सकती तो फिर किस बूते पे ये बातें कर रही हो? ये तो मैं खुद भी नहीं जानती भाऊजी, लेकिन फिर भी एक कोशिश तो करूंगी ना। रब्बा, पता नहीं कसूर किसका है और सजा किस किस को मिलेगी।